नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बिहार में जमीन विवाद को लेकर अक्सर खूनी जंग देखने को मिलती रहती है। ऐसा ही ताजा मामला भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आ रहा है। जमीनी विवाद में खूनी जंग, धारदार हथियार से किया हमला, 4 लोग जख्मी, 1 की हालत नाजुक, पूरा मामला भागलपुर भूमि के छोटा सा टुकड़ा के लिए दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। मामला सनोखर थाने क्षेत्र के सोहयाल गाँव का है। मालूम हो कि भूमि के छोटा टुकड़ा के लिए चचेरा भतीजे ने चाचा समेत 4 लोगों को धारदार हथियार से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर चाचा मोहम्मद शेखावत 65 वर्षीय का स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शेखावत का खून बंद नहीं हो रहा, जबकि मोहम्मद शेखावत का पुत्र मोहम्मद आजाद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद अब्दुल रहमान का इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घायलों ने पुलिस से लिखित शिकायत की है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भूमि के एक छोटा सा टुकड़ा के लिए दोनों के बीच पिछले कई वर्षों से विवाद हो रहा है। पिछले महीने भी विवाद हुआ था, जिसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके द्वारा मारपीट की गई थी, उसके बाद दोनों पक्ष एक बार फिर से भिड़ गए। मारपीट करने का आरोप मोहम्मद शेखावत ने पुलिस के लिखित शिकायत में मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुमेद, मोहम्मद हलीम, मोहम्मद दाऊद एवं अन्य लोगों 10 लोगों पर आरोप लगाया है। इधर घायल का इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर सनोखर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विधि संबंध कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि पुलिस के द्वारा अपराधी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। सनोखर भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। विवाद कैसे हुआ? विवाद हुआ, मेरा अब्बा नमाज पढ़ के आ रहा था। हाँ। नमाज पढ़ के आ रहा था, इतने में इरफान ने रोका। हाँ। मेरे घर के सामने में। हाँ। बोला तुम्हारा बीवी के नाम से जमीन है, तुम क्यों लिखे जमीन? इसी बात पे सभी जन मिलके मारने लगा। इरफान, दाहूद, हलीम, शकूर, जुबेर, जुनेद और फिरोज, ये सब बहुत बुरे तरीके से मारपीट किया। क्या हथियार? हरसा से और गड़ाता से, छुरी से, ये सब से मारपीट किया। मारपीट करने वाला घर कहाँ है? बगल में ये घर। कौन गांव? गांव ग्राम सोहयाल। सोहयाल कौन पंचायत पड़ता है? द्वावे पंचायत पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मेरा भाई गया बचाने के लिए। हाँ। तो मेरा भाई को भी बहुत बुरे तरीके से मारपीट किया, उसका भी सर पे गड़ासा से मारा, उसका सर कट गया है। हाँ। और मेरा भाई का कमर भी टूट गया है और पैर भी टूट गया है। उसके बाद में मेरा छोटा भाई गया तो उसको भी मार के गिरा दिया, तो वो भी गिर गया। कितना व्यक्ति इधर से घायल है? इधर से टोटल 4 व्यक्ति घायल है। क्या नाम है? मोहम्मद सखावत, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद साजिद, अब्दुल रहमान। ये आपका पिता का नाम क्या हुआ? मोहम्मद सखावत। ये भी घायल है? हाँ, मेरा बाबा पूरा बोले देखे घायल है, बोल भी नहीं सकता, वो तो बेहोश हो गया था। तकरीबन उसको रात को ढाई या 3 बजे में होश आ जाया। 3 बजे में। हाँ। मारपीट होने के बाद उसके बाद क्या हुआ? तकरीबन 9 बजे। मारपीट होने के बाद क्या हुआ? मारपीट होने के बाद में घर से किसी को नहीं निकलने दे रहा था, घर में सब घुस गया था। उसके बाद में पुलिस आया। पुलिस आने के बाद में हम सबको ले गया थाना। ले जाने के बाद में भेज दिया कहलगांव में इलाज किया, वहाँ से रेफर कर दिया यहाँ पे मायागंज। अभी भागलपुर में? अभी मायागंज भागलपुर में। अभी हम थाना में आवेदन दिए, थाना में अभी आवेदन नहीं दिया, दरखास्त दिए थे, तो वही दरखास्त लेके भेजा है, बोला पहले इलाज करा के आओ। इलाज पहले कराओ, उसके बाद कुछ होगा। उस आदमी को भी चोट लगा है? इधर से जो मारपीट किया, इन लोगों को भी चोट नहीं? उधर से कोई भी मारपीट नहीं किया, इधर से सब आदमी खाली होता खाली होता करके गया। मेरा अब्बा को पहले मारपीट किया, मेरा भाई गया बचाने के लिए, मेरे भाई को मारपीट किया। इन लोगों की तरफ से कोई घायल नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। आपका पिताजी का नाम? मोहम्मद सखावत। आपका घर? ग्राम सोहयाल। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।